आएगा अच्छा नागरिक बन करके, मानते हो कि नहीं इस बात को? तो अगर पिता ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया होता, पिता अगर दारू पी के लोटा होता, पिता अगर गंजेड़ी होता, पिता अगर नशेड़ी होता और भटकता रहता और अपने बच्चे को सही विद्यालय में, बढ़िया विद्यालय में नाम न लिखवा पाता, तो बच्चा क्या करता? वो भी नशा करता, वो भी भटकता रहता। आप लोगों को ये बातें थोड़ी अटपटी लग रही होंगी, लेकिन सही बता रहा हूँ। ये बच्चे, यही बच्चे सयाने होके दारू पीते हैं और ये उन पिता के बच्चे पीते हैं जो पिता स्वयं पीते हैं। ये बात गलत है। तो आपको अगर कोई बचा सकता है तो स्वयं तुम। कोई दुनिया की कोई नेता, कोई ताकत, कोई ऐसी सरकार नहीं बचा सकती आपको। आपको बचाना और आपको नष्ट करना दोनों आप करते हो। अगर आप अपने को बचाना चाहते हो तो अपने बच्चों को सही शिक्षा दो। और उसके पहले शुरुआत होती है जब बच्चे माँ के पेट में रहते हैं। और इसका आविष्कार हो चुका है, ये वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है उसमें 70% दिमाग का विकास वहीं पे हो जाता है। ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। विज्ञान को मानते हो कि नहीं? और ये पुराने समय में भी आपने सुना होगा, महाभारत काल में एक प्रकरण आता है अर्जुन के लड़के का, अभिमन्यु। माँ के पेट में ही उसने धनुष बाण सीख लिया था। तो क्या धनुष बाण लेके घुसा था? नहीं, वो ज्ञान, चूंकि माँ के पेट में रहते हुए 9 महीने में बच्चे के दिमाग का विकास 70% से ज्यादा हो जाता है, पूरे जीवन में उसको क्या बनना है वो माँ के पेट में ही डिसाइड हो जाता है, बाहर कहीं नहीं डिसाइड होता। आप समझ रहे हो इस बात को? 70% हिस्सा, अगर समझ लीजिए इसको मैं पैसे में तुलना करूं, अगर पूरे जीवन में आपको 10 लाख कमाना हो तो 7 लाख कहां कमाओगे? माँ के पेट में रहते हुए। अगर वो दिमाग नहीं बन पाया तो 7 लाख कमा नहीं पाओगे। 10 लाख कमाने वाला बच्चा केवल 3 लाख कमाने लायक बचेगा अगर आपने माँ के पेट में रहते समय ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए जब जिनके घर में ऐसा अवसर आवे कि प्रेग्नेंस हो, माँ गर्भवती हो, तो वहां पर उनके खान पान का और साफ सफाई का और अच्छी भाषा का प्रयोग करें। वहां पे गाली गलौज नहीं। मैं तमाम देखता हूं तमाम घरों में कि वहां पे आप जाते हैं और उस माँ को कोई तवज्जो नहीं जिसके पेट में आपका भविष्य पल रहा है, इस देश का भविष्य पल रहा है, अंबेडकर साहब पल रहे। क्या वो अंबेडकर निकल पाएंगे? आप बाहर तमाम मूर्तियां बना के अंबेडकर की, मोदी की, अब्दुल कलाम की खूब पूजने लगो, लेकिन क्या आप बच्चे को मोदी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। बच्चे को अंबेडकर साहब बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। कब नहीं बना पाओगे? जब आप लापरवाही करोगे। तो ये आप कर सकते हो आराम से, ये बिल्कुल फ्री की सुविधा है, क्योंकि ये अवसर ऐसा है जहां आपको कहीं पैसे लेके नहीं जाना एडमिशन कराने। आपके घर में वो बच्चा पल रहा पेट में माँ के, वहां पर आपको केवल दाल रोटी, अच्छी चीजें, सादी दूध दलिया, ये अच्छी चीजें खानी है बस, बिल्कुल सस्ती चीजें, पत्ते वाली सब्जियां आपके खेतों में हो जाती हैं। ऐसे रोज खाने में अगर आप पत्ते वाली सब्जियां शामिल कर लें, दालें शामिल कर लें, दाल कोई बहुत ज्यादा पहाड़ है क्या? आप खाते नहीं हो क्या? सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन अगर अच्छा खाना खाने लगे तो अच्छा खाना क्या है? दाल खाओ और